अस्सलाम वालेकुम। आज हसनैन ने कहा कि अम्मी बीफ पास्ते बना दीजिएगा, तो उसको ज़रा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इसको गोश्त के पार्टे को अच्छी तरह से साफ कीजिए। और हसनैन से मैंने बनवाए हैं बारीक कतले का पार्टे, ये मेरे साथ हेल्प करता है हमेशा बचपन से ही। अभी एक हथौड़ा है जो बीफ पार्टी को पतला करने के लिए, इसके साथ इसको जरा अच्छी तरह से कूटें ताकि बारीक और पतले हो जाएं। ये नींबू का रस है, तकरीबन 1.5 नींबू, यहाँ तो बहुत बड़े नींबू होते हैं तो 1 नींबू भी काफी हो। 1.5 प्याज काटा है, थोड़े से अदरक है और लहसुन है, ये मसाले हैं सारे। दही 1 प्याली है। ये नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और क्रश मिर्च। अरे ये सारे, ये प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू का रस, दही और सारे मसाला जार इसमें डालकर आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। जब अच्छा सा फाइन सा ग्राइंड हो जाए बल बिल्कुल, तो ये सारी जितने पार्टी बनाए हैं इसको अच्छी तरह से लपेट, इसमें अच्छा सा लगा के दोनों साइडों पर, तो आप दूसरे बर्तन में रख लीजिएगा और इसको 1 घंटा कम से कम पहले लगा कर रखें। और ऑयल कुकर में डालें या डिस्की में, और इसको सारा मसाला इसमें डाल के गोश्त समेत इसमें इसको प्लेट पे लगा देंगे। जब गल तो तकरीबन 5 मिनट आप वेट कीजिएगा, ये गल जाएगा तो उसे अच्छी तरह से भून लें, सारा पानी खुश हो जाए इसके। अब ये अपने पानी में ही पक्का है सारा। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको ऊपर धनिया और हरी मिर्च का गार्निश कर दीजिए।